गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर नंबर फोर द कीबोर्ड तो आज हम कीबोर्ड के बटन्स में स्पेस बार के बारे में पढ़ना स्टार्ट है करते हैं स्पेस बार की द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज नॉन एज स्पेस बार अगेन द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज नॉन एज स्पेस बार द लॉन्गेस्ट की मतलब सबसे लंबी की ऑन कीबोर्ड कीबोर्ड पर इज नॉन जानी जाती है एज स्पेस बार स्पेस बार के रूप में तो कीबोर्ड पर सबसे लंबी की स्पेस बार के रूप में जानी जाती है द स्पेस बार की इज यूज टू प्रोवाइड स्पेस बिटवीन टू लेटर्स और वर्ड्स अगेन द स्पेस बार की इज यूज टू प्रोवाइड स्पेस बिटवीन टू लेटर्स और वर्ड्स तो द स्पेस बार की जो स्पेस बार की है इज यूज उपयोग में ली जाती है टू प्रोवाइड उपलब्ध कराने के लिए स्पेस मतलब खाली स्थान बिटवीन के बीच में टू लेटर्स और वर्ड्स दो अक्षरों या शब्दों के बीच में तो स्पेस बार की दो अक्षरों या शब्दों के बीच में खाली स्थान उपलब्ध कराने के लिए काम में ली जाती है फ्रेंड्स लुक एट स्पेस बार की यू विल फाइंड इट द लॉन्गेस्ट अगेन फ्रेंड्स लुक एट स्पेस बार की यू विल फाइंड इट द लॉन्गेस्ट तो फ्रेंड्स मतलब दोस्तों लुक एट द स्पेस बार की स्पेस बार की की ओर देखिए यू विल फाइंड आप पाओगे इट द लॉन्गेस्ट इसे सबसे लंबी तो आप इसे सबसे लंबी पाओगे तो ये हमारा कीबोर्ड का चित्र इसमें स्पेस बार की जो की दे रखी है इसको देखेंगे तो ये सबसे लंबी हमारे कीबोर्ड में पाई जाने वाली की है नेक्स्ट हमें दिया गया कैप्सलॉग की कैप्सलॉक की दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स अगेन दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स यह की उपयोग में ली जाती है टू टाइप कैपिटल लेटर्स कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए तो यह की जो कैप्सलॉक की है यह कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए काम में ली जाती है वैन वी प्रेस दिस की वंस एंड टाइप द नेक्स्ट टाइप द टैक्स विल अपीयर इन कैपिटल लेटर अगेन

और टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर में दिखाई देता है नेक्स्ट जो की है वो हमारी क्या है जैसे कीबोर्ड पर जो कैप्स लॉक की होती है उस पर कैप्स लॉक लिखा हुआ होता है नेक्स्ट है एंटर की दिस की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन अगेन दिस की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन तो यह की टेक्स मतलब ले जाती है द कर्सर कर्सर को टू द नेक्स्ट लाइन अगली पंक्ति में तो so, यह की कर्सर को अगली पंक्ति में ले जाती है we also call it the return key. Again, we also call it the return key. हम इसे call मतलब कहते हैं return key. हम इसे return key भी कहते हैं तो enter key जो होती है कीबोर्ड पर वो इस तरीके की होती है Normally जो laptop का कीबोर्ड होता है उसमें इस type की पाई जाती है और ये side में जो numerical keypad पैड होता है वहाँ पर भी एंट्र की पाई जाती है मतलब दो एंट्र की key हमारे कीबोर्ड में होती हैं डिलीट की द डिलीट की इरेजेज द लेटर्स ऑन द राइट ऑफ द करसर द डिलीट की इरेजेज द लेटर्स ऑन द राइट ऑफ द करसर द डिलीट की इरेजेज द डिलीट की मिटाती है द लेटर्स लेटर्स को ऑन द राइट ऑफ द करसर करसर के राइट right में तो डिलीट की करसर के राइट right में जो भी लेटर्स या लेटर्स लिखे होते हैं उनको डिलीट करने का यानी मिटाने का काम करती है नेक्स्ट है एरोज देयर आर फोर एरो अगेन देयर आर फोर एरो चार एरोकीज हैं दे इनेबल अस टू मूव द करसर ऑन द स्क्रीन अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट अगेन दे इनेबल अस टू मूव द करसर ऑन द स्क्रीन अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट तो दे इनेबल वे हमें सक्षम बनाती है टू मूव द करसर कर्सर को मूव करने के लिए ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर अप एंड डाउन ऊपर और नीचे राइट एंड लेफ्ट दाएं और बाएं तो ये हमें कर्सर को ऊपर नीचे और दाएं और बाएं मूव करने में सक्षम बनाती है तो ये आज का टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं इनकी आपको रीडिंग लगानी है इनकी प्रैक्टिस करनी है थैंक यू कीप प्रैक्टिसिंग